माँ को भगवान का दर्जा यूं ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि धरती पर केवल माँ ही है जो असीम पीड़ा सहन करके शिशु को जन्म देती है। लेकिन जीव जंतुओं की दुनिया हमसे काफी जुदा है। कुछ खास प्रजातियों में मादा के साथ नर को भी प्रेगनेंसी के सबसे महत्वपूर्ण फेज का सामना करना पड़ता है। इस दौरान नर की भूमिका काफी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि नर बच्चों को जन्म देने का कार्य करते हैं। इन जानवरों के जन्म देने का तरीका इतना अनोखा है कि आप देखकर सरप्राइज रह जाएंगे। काफी जानवर एक बार में एक से अधिक बच्चों को जन्म देने में सक्षम होते हैं। वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर अंत तक देखना ना भूलें। सी हॉर्स। बेशक इसका नाम सी हॉर्स है, लेकिन ये किसी घोड़े की प्रजाति नहीं बल्कि एक तरह की छोटी मरीन फिश है। इसकी अनोखी बनावट सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। संसार में सी हॉर्स की करीब 47 विभिन्न प्रजातियां मौजूद हैं, और इनमें से 14 को पिछले 8 वर्षों में खोजा गया है। सी हॉर्स के अपने बच्चों को जन्म देने का तरीका इतना अद्भुत होता है कि आप देखते रह जाएंगे। सी हॉर्स में जन्म देने का प्रोसेस काफी हटके और जटिल होता है। जहां अधिकांश प्रजातियों में मादा ही अंडे या फिर बच्चों को जन्म देने का कार्य करती हैं, वहीं सी हॉर्स में नर बच्चों को जन्म देते हैं। मेल सी हॉर्स न केवल शुक्राणु प्रदान करते हैं बल्कि गर्भावस्था में फ्यूटसिस को अपने भीतर कैरी करते हैं और जन्म भी वही देते हैं। इस दौरान नर को काफी पीड़ा सहन करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे पाउच में पड़ते हैं वैसे वैसे पेट में सूजन बढ़ने लगती है। जब बच्चे को जन्म देने का समय आता है तो नर भी उसी तरह के कॉन्ट्रैक्शंस का अनुभव करता है जैसा कि मनुष्यों का एक्सपीरियंस्ड होता है। मेल सी हॉर्स पानी में ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सी हॉर्स एक बार में कितने बच्चों को जन्म दे सकता है? नर एक बार में 2000 बेबी सी हॉर्स को जन्म देने में सक्षम होते हैं। जब नर सी हॉर्स अपने बच्चों को जन्म दे रहा होता है तो नजारा देखने लायक होता है। येलो हेड जॉफिश। पीले रंग का सिर और बड़ा सा मुंह होने की वजह से इस मछली का नाम येलो हेड जॉफिश पड़ा है। अपने नाम की तरह इस मछली का जन्म देने का तरीका भी काफी हैरतअंगेज होता है। आपको सुनकर झटका लगेगा कि प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान जब मादा अंडे का कार्य पूरा कर देती है तो उसके बाद नर की अग्नि परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि नर को उन सभी अंडों को अपने मुँह में कैरी करना होता है। नर इन अंडों को तब तक अपने मुंह में रखता है जब तक इससे बच्चे बाहर नहीं आते हैं। इस नाजुक दौर में नर को भोजन करना बिल्कुल भी अलाव नहीं होता है। नर मछली को अपने मुंह में 200 से 300 अंडे लेकर रहना पड़ता है। येलो हेड जॉफिश कैरेबियन सी में रहती है और ये 3 से 40 मीटर की गहराई पर पाई जाती है। वाकई में इस नर मछली के हार्डवर्क के लिए ताली तो बनती है। स्नेल। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक माँ अपने फेस के माध्यम से बच्चों को जन्म दे सकती है? दरअसल स्नेल एक ऐसा अनोखा जीव है जो अपने चेहरे के जरिए अपने अंडों को रिलीज करता है। एनिमल किंगडम में स्नेल का मेटिंग बिहेवियर काफी स्ट्रेंज होता है, क्योंकि अधिकांश घोंगे हर्माफ्रोडाइट्स यानी कि उभयलिंगी होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों होते हैं, इसलिए इन्हें साथी की आवश्यकता नहीं होती है। ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम होते हैं। प्रजनन करने के लिए जब अंडे स्वयं फर्टिलाइज्ड कर लिए जाते हैं तब प्रेग्नेंट स्नेल्स अंडों को चेहरे के करीब मौजूद जेनिटियल पोर्स में ले जाते हैं। जब कोई स्नेल जन्म देने के लिए तैयार हो जाता है तो वो अपने मुंह से अंडे को स्क्वीज करता है। इस दौरान इनकी आंखें और प्रजनन ढलान एक साथ इतने करीब होते हैं कि एक घोंघा अपने आप को जन्म देते हुए देख सकता है। स्नेल एक बार में लगभग 500 अंडे देने में सक्षम होते हैं। करीब 2 से 4 हफ्तों बाद ही इन अंडों से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। स्नेल काफी वाइड रेंज में पाए जाते हैं, जिसमें खाइयां, रेगिस्तान और समुद्र की खाई की गहराई शामिल है। दुनिया भर में इनकी 40,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। समुद्र में पाए जाने वाले स्नेल्स किसी चट्टान पर जाकर अंडे देते हैं, वहीं जमीन पर रहने वाले स्नेल्स नमी वाले इलाके में अंडे देना ज्यादा पसंद करते हैं। टेरेंटुला हॉकवास्प। इंसेक्ट्स किंगडम में शामिल इस कीड़े द्वारा अपने बच्चों को जन्म देने के लिए काफी खतरनाक प्रोसेस अपनाया जाता है, क्योंकि ये जन्म देने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ियों में से एक यानी कि टेरेंटुला को अपना शिकार बनाता है। ये टेरेंटुला को पैरालाइज्ड कर उस पर अपने अंडे देता है। बताते हैं कि मकड़ी जितनी बड़ी होती है अंडे देने के लिए तैयार होने पर वो उतना ही अच्छा इनक्यूबेट कर सकती है, इसलिए ये वास्प डंक मारकर एक बड़ी मकड़ी का शिकार करते हैं
और फिर उसे अपाहिज कर उसी के शरीर पर अंडे देने का कार्य करते हैं। डंक मारने के बाद वास्प घायल मकड़ी को अपने बिल की ओर घसीट कर ले जाता है और एक बार अंडे सेने के बाद उसे जिंदा दफना देता है। लगभग 3 से 4 दिनों में अंडे से लार्वा की फॉर्म में न्यूली इमर्ज्ड वास्प बाहर निकलते हैं और असहाय मकड़ी को खाना शुरू कर देते हैं। इस तरह टेरेंटुला हॉक वास्प का जन्म देने का तरीका काफी हॉरिबल होता है। एलिफेंट हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय स्तनपाई है। एक अफ्रीकन हाथी का अधिकतम वजन 6000 किलो तक होता है, जबकि इनकी हाइट 3.2 मीटर तक होती है। सभी स्तनधारियों में मादा हाथी का गर्भकाल सबसे लंबा होता है, क्योंकि एक मादा अपने बच्चे को पूरे 22 महीने तक अपने पेट में रखती है। इतने लंबे जेस्टेशन पीरियड में रहना कोई मजाक नहीं है। बताते हैं कि एक मादा हाथी शांत माहौल में ही अपने बच्चे को जन्म देना पसंद करती है, इसलिए अधिकांश रात में ही हाथी के बच्चों का जन्म होता है। जन्म के वक्त सबसे पहले एमनियोटिक ब्लैडर बाहर आता है, जो कि किसी बैलून की तरफ फूला हुआ होता है। इसके बाद करीब 120 किलोग्राम का बच्चा जमीन पर गिरता है। न्यूबॉर्न काल्फ्स लगभग 3 फीट ऊंचे होते हैं। अपने भारी वजन के बावजूद नवजात हाथी जन्म के कुछ समय बाद ही खड़ा हो जाता है। मादा हाथी खड़े होकर ही अपने बच्चे को जन्म देती है। इतने भारी वजन के साथ एक लंबे गर्भकाल में सरवाइव करना एक मादा के लिए काफी कष्टकारी होता है। जन्म के समय हथनी को काफी गंभीर पीड़ा सहन करनी पड़ती है। हथनी की सहन शक्ति की दाद देनी होगी। पोर्क्यूपाइंस पोर्क्यूपाइंस की शारीरिक संरचना इतनी विचित्र और घातक होती है कि शेर जैसे खूंखार जानवर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। दरअसल इसके शरीर पर काफी लंबे लंबे कांटे निकले होते हैं, जो इन्हें शिकारी जानवरों से अपनी रक्षा करने के काम आते हैं। लेकिन अपने बच्चे को जन्म देने के वक्त मादा को ये कांटे काफी असहनीय दर्द देते हैं। दरअसल गर्भकाल के दौरान जब इनके बच्चे पेट में होते हैं तो उनके शरीर पर भी कांटे होते हैं, मगर शुरुआती समय में वो काफी सॉफ्ट होते हैं। पर जैसे जैसे जन्म का समय नजदीक आता जाता है और बच्चा विकास करता है तो ये कांटे भी सख्त हो जाते हैं। जब एक मादा पोर्क्यूपाइन से जन्म देती है तो उसे ये कांटे इतनी तेज चुभते हैं कि उस दर्द को बयान नहीं किया जा सकता है। सूरीनाम टोड मेंढक की प्रजाति से संबंध रखने वाले इस जीव को सूरीनाम टोड कहकर पुकारा जाता है। आम मेंढकों के मुकाबले ये काफी अलग टाइप के होते हैं। ये फ्लैट शेप में होते हैं और इनका आकार 10 से 13 सेंटीमीटर तक होता है। मेंढक की ये अनोखी प्रजाति बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुनिया, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला में पाई जाती है। अजीब ढंग वाले इन मेंढक का रिप्रोडक्शन का तरीका काफी वियर्ड होता है। मादा एक बार में करीब 100 अंडे देने में सक्षम होती है। जब मादा अंडे देने का कार्य पूरा कर देती है तब नर इन अंडों को मादा की पीठ पर इतनी सावधानी से चिपकाता है कि वो नीचे ना गिरे। कुछ समय बाद मादा मेंढक की स्किन इन अंडों को अपने आप कवर करने लगती है। इस तरह अंडे धीरे धीरे मादा की स्किन में सेट हो जाते हैं। करीब 3 से 4 महीने तक ये अंडे मादा की स्किन के भीतर ही चिपके रहते हैं। जब अंडे पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तब मादा की स्किन को पकड़कर बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। इसके बाद मादा मेंढक की त्वचा खराब हो जाती है। इसी से आप महसूस कर सकते हैं कि एक माँ को अपने बच्चों को जन्म देने के लिए कितने मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। जिराफ लंबी टांगों और गर्दन वाला जिराफ सबसे ऊंचा स्थलीय जीव है। दूसरे जानवरों के मुकाबले मादा जिराफ को अपने बच्चों को खड़े होकर ही जन्म देना पड़ता है। इंसानों की तरह इनके बच्चे भी सिर की तरफ से बाहर निकलते हैं और जन्म के वक्त सीधे सिर के बल जमीन पर गिरते हैं। खड़े खड़े प्रजनन करने के कारण जन्म के दौरान जिराफ का बच्चा लगभग 5 फीट नीचे तक जमीन पर गिरता है। सोचिए अगर किसी इंसान के बच्चे को इतनी ऊंचाई से जमीन पर गिरा दिया जाए तो उसका क्या होगा। मगर जिराफ के केस में ये कोई गंभीर मामला नहीं है, क्योंकि इतनी हाइट से गिरने पर इनका बेबी जल्दी एक्टिव हो जाता है और जन्म के 10 घंटे के भीतर ही जिराफ के बच्चे चलने फिरने लगते हैं। नवजात जिराफ की ऊंचाई लगभग 6 फीट तक हो सकती है। इस तरह पैदा होने के साथ ही इनके बच्चे वयस्क इंसान की तुलना में काफी ऊंचे होते हैं। बेबी जिराफ का वजन करीब करीब 45 से 65 किलो तक होता है। बच्चों को पालने की पूरी जिम्मेदारी मादा जिराफ निभाती है। मादा जिराफ को काओ और नर जिराफ को बुल कहा जाता है, जबकि बेबी जिराफ को काफ कहते हैं।
तो दोस्तों आपको इनमें से किस जानवर का बर्थिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा टफ और स्ट्रेंज लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।